हमारे डेली प्रैक्टिस सेशन के वीडियो नंबर 10 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैथ्स और रीजनिंग के अंदर अलग अलग टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, स्पेशली मंडी परिषद और लोअर पीसीएस। अगर आप इनमें से किसी एक या फिर दोनों एग्जाम्स पर फोकस कर रहे हैं तब आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप इस गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, सेम टू सेम नंबर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और एक अल्टरनेट नंबर भी मिलेगा अगर आप टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा लेवल कैसा लगा आपको एग्ज़ाम का। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट करेस्पॉन्डिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30%, 20% एंड 10% इज। आपके पास में कोई MRP है, पता नहीं वो कितनी है, उसमें तीन बार लगातार डिस्काउंट दिया जाता है। आपको ये बताना है कि अगर इस डिस्काउंट को एक बार में दे दिया जाए जिससे जो इफेक्ट आपको यहाँ से मिलता हो बात वही पड़े। तो मान लीजिए वो MRP 100 रुपये की है, पहली बार में डिस्काउंट दिया 30% की तो बचा कितना, वो 70 रुपये। दूसरी बार में 20% का डिस्काउंट दिया तो कितना बचा, 10% का मतलब 7 होता है, तो यहाँ से 20% का मतलब डबल यानी 14, तो 70 में से 14 गया तो 56। 56 में क्या करना है, 10% का डिस्काउंट देना है यानी 5.6 कम कर लेना है। 5 कम करेंगे तो 51 बचेगा, 51 में से 0.4 0.6 और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 50.4। अब ये कैसे आया, 10% 56 का कितना होता है, 5.6, तो 56 में से 5.6 को कम करेंगे तो यही तो आएगा, 5 को कम करेंगे तो 51 आएगा, 0.6 को और लेस करेंगे तो 50.4 आपको मिल जाएगा। यहाँ तक एकदम क्लियर है? उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने का फ़र्क है, जो फ़र्क है वही आपका सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा। तो 100 में से आप लेस कर देंगे 50.4 को, 50 को लेस करेंगे 50 आएगा, 0.4 और यहाँ से जाएगा तो 49.6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाय लुकिंग इन अ मिरर इट अपीयर्स दैट इट इज़ 5:45 यानी 5:45 इन द क्लॉक, वॉट इज़ द रियल टाइम। एक क्लॉक को एक शीशे के सामने रख दिया जाता है और शीशे के सामने देखने पर पता चलता है कि उसमें 5:45 हो रहा है, AM हो चाहे PM हो, इस बात से इतना फ़र्क यहाँ नहीं पड़ता। तो 5:45 टाइम कहाँ दिखा रहा है, शीशे में, घड़ी में कितना दिखाएगा, ये आपका सवाल है। तो इसके लिए आप क्या करिए, जो भी टाइम आपको दे रखा है 11:60 से आप लेस कर दीजिए। ये एक ट्रिक होती है इस टाइप के सवाल को करने की। ट्रिक की मैं लिमिटेशन बता देता हूँ, आपके पास में एक शीशा होना चाहिए, या तो टाइम उसमें दिखा रहा हो या तो घड़ी में दिखा रहा हो। घड़ी से शीशे की बात हो चाहे शीशे से घड़ी पे आपको जाना हो, सेम ट्रिक आपकी फॉलो करेगी। तो यहाँ पे 5:45 को लेस करेंगे, यहाँ से 60:45 गया तो 15 बचा, 11:05 गया तो 6 बचा, 6:45 टाइम हो रहा है घड़ी में। कौन सा वाला ऑप्शन सही है, डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड, द फर्स्ट वन गॉट 40% ऑफ द वोट्स एंड द सेकेंड वन गॉट 36% ऑफ द वोट्स। इफ द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स पोल्ड वर 36,000, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय द थर्ड कैंडिडेट। एक इलेक्शन की बात हो रही है, वहाँ पे तीन बंदे खड़े हुए थे, ये पहला, ये दूसरा और ये रहा तीसरा पर्सन। पहले पर्सन को कितने वोट मिले, 40%, दूसरे को मिले 36% और तीसरे को मिले बाकी के, तो 40 और 36 कितना हो गया, 76, तो बचा कितना, 24%। क्योंकि सवाल में ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि कुछ वोटों की यहाँ पे गिनती गलत हो गई, कुछ वोट यहाँ पे रद्द हो गए या फिर कुछ लोग ऐसे थे जो वोट देने नहीं गए, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। इस वजह से टोटल को हमने 100 माना तीनों को, यहाँ तक आपको 76 मिला, तो बचा हुआ कितना है, 24। आपको इसमें दिया हुआ है कि 100% की वैल्यू 36,000 है, तो इसका मतलब 100% यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स। आपको इसमें बताना है तीसरे वाले को कितने मिले, तो 24% की वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ आपको बतानी है। तो ये सॉल्व हो जाएगा 36,000 गुणे में 24 और बटे में 100, 0 से 0 दो बार कैंसिल हो जाएगा, 360 गुणे में 24। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 360 गुणे में 20+4, तो 36 × 72 होता है, तो यहाँ से 7200 360 गुणे में 4 कितना हो जाएगा, 1440। तो 7200 + 1440
यानी 8640, तो 8640 कुल मिला के वोट किसको मिले? तीसरे वाले कैंडिडेट को। कौन सा वाला ऑप्शन सही है? दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अ सम ऑफ मनी रुपीज़ 4200 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अमर एंड मदन इन द रेशियो ऑफ 9:5। वॉट इज़ द पार्ट ऑफ मदन? इसको देखिए जल्दी से कैसे कर सकते हैं। रेशियो को ऐड करेंगे आपको मिलेगा 14, तो 14 का मतलब है 4200। 14 3 42 और 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 300। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 300। अमर का रेशियो कितना है? 9। मदन का हो गया 5। आपको इसमें बताना है मदन का मतलब क्या है, तो 5 का मतलब क्या है, ये आपका सवाल है। तो यहाँ से 5 टाइम्स, यहाँ से भी हो जाएगा 5 टाइम्स, तो 300 × 5 यानी 1500। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला सवाल आपका एवरेज नाम के चैप्टर से है। द एवरेज ऑफ 4 कंजेकेटिव इवन नंबर्स पी क्यू आर एंड एस रिस्पेक्टिवली इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज 51। वॉट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड आर? यहाँ पे 4 लगातार इवन नंबर्स आपको दिए हुए हैं। एक पी है, दूसरा क्यू है, तीसरा आर है और आखिरी नंबर एस है। अब इवन नंबर का मतलब क्या होता है? जो नंबर 2 से डिविजिबल हों, जो 2 से कट जाएं, ऐसे नंबर्स को बोला जाता है इवन। और दूसरी बात यह है, 2 लगातार इवन नंबर्स के बीच में +2 या फिर -2 का ही गैप होता है। तो यहाँ पे हम गैप किस में लें, +2 में लें कि -2 में लें? तो इसके लिए लिखा हुआ है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी गैप लगातार आपको +2 का लेना है। तो मान लीजिए पी यहाँ पे एक्स है, क्यू यहाँ पे x+2 हो गया, आर x+6 हो गया और ये हो गया x+8, क्योंकि +2 का गैप आपको लगातार देखने को मिल रहा है। 4 नंबर आपके सामने हैं, इनका एवरेज कैसे निकल सकता है? या तो बीच वाला नंबर ले लीजिए जो कि दिया नहीं हुआ है, या तो पहले और आखिरी नंबर को लीजिए और इनका एवरेज ले लीजिए। तो पहला नंबर क्या है? P, जिसको हमने x माना है। आखिरी नंबर क्या है? x, जिसको हमने x+8 कंसिडर किया है। बटे में 2, इनका एवरेज इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे इनका एवरेज सवाल के हिसाब से 51 है। सॉल्व करेंगे 2x+8 बराबर हो जाएगा 51 × 102। 2x बराबर, यहाँ पे करेक्शन करिएगा, ये x है, ये x+2 है, तो यहाँ पे x+4 होगा, यहाँ पे होगा x+6। इतनी बात आपको क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे x+6 करेंगे तो ये हो जाएगा 2x+6। तो 2x बराबर 102 में से 6 कम करेंगे 96 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 48। x आपने किसको माना था? p को, तो ये p हो गया। s क्या होगा? s होगा इससे 6 ज़्यादा, लेकिन आपको s नहीं निकालना है, आपको r चाहिए। r कितना हो जाएगा इससे? 4 ज़्यादा यानी 52। आपको प्रोडक्ट बताना है p और r का, तो p इंटू आर यानी 48 × 52। अब इसको जल्दी से कैसे करते हैं? 48 को आप लिख सकते हैं 50 − 2, 52 को लिख सकते हैं आप 50 + 2। तो a + b × a − b क्या होता है? a² − b², तो यहाँ पे 50² − 2². 50 का स्क्वायर होता है 2500, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2500 में से 4 गया तो बचा कितना? 2496। ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है? कहीं नहीं है। ऑप्शन नंबर ई को टिक करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। नन ऑफ दीस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज का ये सवाल है। 3 ईयर्स अगो द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स वॉज 17 ईयर्स। अ बेबी हैविंग बीन बॉर्न द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम टूडे। वॉट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बेबी? 3 साल पहले एक पर्टिकुलर फैमिली में जिसके 5 मेंबर थे, एवरेज एज 17 थी। तो 3 साल पहले 17 थी, आज कितनी हो जाएगी? इससे 3 ज़्यादा, तो 20 हो जाएगी। 5 लोगों का एवरेज यहाँ पे 20 है, तो सम कितना हो जाएगा? 20 × 5 यानी 100। तो 5 मेंबर्स का सम 100 निकल गया। तो मान लीजिए a+b+c+d+e, ये लोग यहाँ पे 100 हैं। ये a b c d e, ये सब क्या हैं? तो ये सब फैमिली के मेंबर्स हैं। इनकी एजेस को जब आप प्लस करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा 100। अब हुआ क्या, एक बेबी ने यहाँ पे जन्म ले लिया, तो इसका मतलब क्या है? मेंबर्स की संख्या 5 से बढ़ के 6 हो गई। तो यहाँ पे a+b+c+d+e+f आ गया। अब हुआ क्या इससे, कि जो एवरेज 3 साल पहले था वही एवरेज अभी भी है। तो 3 साल पहले कितना था? 17 साल, लेकिन वो 5 लोगों के लिए था। अभी जो 17 साल है वो 6 लोगों की औसत एज है। तो 6 लोगों की औसत एज यहाँ पे 17 है। सम कितना हो जाएगा? 17 × 6 यानी 102।
तो 102 हो गया, सॉरी 102। अब ए से लेकर ई तक सब कुछ कट जाएगा, यहाँ से एफ बच जाएगा, 102 में से 100 गया तो 2। बेबी अभी 2 साल का है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो गया।